वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम रोकना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्लैक एंड व्हाइट में। तो अभी ये पहला पार्ट होने वाला जिसमें मैं आपको आउटलाइन सिखाऊंगा, उससे अगले पार्ट में मैं इनको कलर करना सिखाऊंगा, तो वो वाला पार्ट देखना ना भूलना। और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आप इस वीडियो में 5 लाइक कम्प्लीट कर दो, मैं इसका अगला पार्ट ले आऊंगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे सर से शुरू कर रहा हूँ। आपको कुछ मेरी जहां जहां से मैं बना रहा हूँ आपको बस इतना फॉलो करना है आपको मेरे को। इतने बन जाने के बाद हमको ऊपर से शुरू करना है। पहले आइए, जब आउटलाइन बनेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बनाएंगे, लेकिन आप जब कलर करोगे तब आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि कैसे ये बनेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा बना लेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ से ऐसा करके कुछ बनाना है। तरह से इसको करने के बाद आपका ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आप चलो अब नीचे का करते हैं। हमको यहाँ से इनके चश्मे का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो गाइस ये ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग होने वाला है। आप पूरी वीडियो देखो और बाद में अगले पार्ट में आप इसको कलर करना सीख जाओगे अगर आप 5 लाइक पूरे कर देते। बहुत ईजी मैथड है और आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा इसको बनाने के लिए। मैं तो 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप HB पेंसिल यूज करना। बार बार फ्री हैंड बनाना ताकि अच्छे से एक्यूरेट आउटलाइन बन जाए। जब एक्यूरेट आउटलाइन बन जाएगी उसका रफ करके फिर से उसके फाइनल आउटलाइन आप लोग बना लेना। तो गाइस ये भी पूरा हो चुका है, आप चलो नीचे का करते हैं। गाइस जब मैं इसका कलर करूंगा वो मैं पेंटिंग कलर से करूंगा और खाली ब्लैक कलर यूज करूंगा। और बैकग्राउंडिंग के लिए आप बताना कि मैं बैकग्राउंड में कौन सा कलर करूं, पेन आर्ट करूं या ऑयल पेस्टल या पेंटिंग कलर। आप कमेंट करके वो मेरे को बता देना, मैं उसी हिसाब से करूंगा जल्दी कलर। गाइस ये आउटलाइन पूरी हो चुकी है। तो गाइस फाइनल आउटलाइन आपके सामने है। तो इस ड्राइंग को मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा किस तरह का कलर करना है। और आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। हर हर महादेव। अगर आपको इस वाला ड्राइंग का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं इसको ड्राइंग का भी ट्यूटोरियल वीडियो जल्दी लाऊंगा। चलो।